शादी के एक महीने बाद बहू ने बेटे को दिया जन्म। माता पिता ने कहा था पेट पर चर्बी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी न्यूज। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज बात करने जा रहे हैं एक ऐसे अजीब गजीब शादी की जिसके बारे में सुनकर आप दंग हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं ऐसी शादी के बारे में जिसे लोग सुनकर बहुत हैरान हो चुके हैं। वीरवार को बहू के बेटे की शादी महिलपुर होशियारपुर पंजाब में एक महीने पहले हुई थी और परिवार उसे 11 बजे के आसपास सिविल अस्पताल में लाया। बहू ने एक बेटे को जन्म दिया। और आपको बता दें कि चंदौर साहिब में वीरवार को बेटे की शादी के एक महीने पहले ही बहू का पेट निकला था, लेकिन उसके परिवार वालों का कहना था कि लड़की के पेट में गैस पैदा होती है और वह इसे गैस नहीं मानते थे, लेकिन इसे आगे फिल्टर करने की कोशिश की। लेकिन जब एक महीने बाद एक बच्चे का जन्म हुआ, इसलिए परिवार ने अपमान के डर से बच्चे को घर ले जाने से इनकार कर दिया और बच्चे को सुबह एक महिला अस्पताल के कर्मचारी को सौंप दिया। जिसके बाद यह अफवाह उड़ी कि महिला कर्मचारी ने एक दिन के बच्चे को कुछ हज़ार रुपये में बेच दिया है। लेकिन महिला ने कहा कि उसने बच्चे को नहीं बेचा है, वो नहीं जानता कि किस बच्चे के बारे में बात की जा रही है। बच्चे की जाँच शुरू होते ही मामला धीरे धीरे बिगड़ने लगा। यह बच्चा महिलापुर सिविल अस्पताल के 4 किलोमीटर दूर केंदोवाल गाँव के एक परिवार के पास पाया गया, जहाँ बच्चे के साथ दंपत्ति की शादी को 7 साल हो चुके हैं। उनके कोई बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। परिवार ने कहा कि उन्होंने बच्चे को नहीं खरीदा है लेकिन गोद लिया है। एक दिन की हलचल के बाद यह नहीं पता चला कि बच्चा युगल के घर कैसे पहुंचा। आपको क्या लगता है, ये दाल में कुछ काला है? तो अपना कमेंट करके जरूर बताएं। आज के दिन बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।